अस्सलाम वालेकुम, न्यूज प्लस के साथ मैं हूं रुबाब बख। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम शाहिद खाकानाबाजी की जाति उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरतेहाल और आइंदा इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर, ख्वाजा साद रफीक, परवेज रशीद और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वजीर खजाना इसाक डार के खिलाफ नैब प्रिफ्रेंशियल की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को आगाह किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को इसाक डार के खिलाफ मजीद कार्रवाई पर हुक्म इम्तना दे दिया है। जहाँ मैंने 55 साल गुजारे और मेरे बच्चे उनके खूबसूरत चेहरे, उसके लिए मैं तरस रहा था। एक तरफ एक बूढ़ी बाप की ये मोहब्बत और दूसरे तरफ उनके बच्चों की ये बेतनाई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक नवाज शरीफ पर बरस पड़े। कहते हैं साबिक वजीर आजम अदलिया के खिलाफ महाज गरम किए हुए हैं, मगर गुर्बत, जहालत और करप्शन के खिलाफ बात नहीं करते। नवाज शरीफ मुल्क में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जिससे उनकी अहलिया का इलाज हो सकता। इस वक्त मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा मौजूदा सियासी कयादत है। शरीफ खानदान में जारी चपकलिश खत्म हो गई। नाहल वजीर आजम नवाज शरीफ का बड़ा ऐलान। कहते हैं अगले वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगे। इंतखाबी मुहिम और अदालती फैसलों के खिलाफ तहरीक साथ साथ चलेगी। तहरीक अदल सिविलियन बालादस्ती और मजबूत जमहूरियत के लिए होगी। आइंदा इंतखाबात में हमारी बुनियादी असूल और नारे होंगे। उम्मीद है कौम उनकी पसीराई बख्शेगी। अगले वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगे या बिलावल भुट्टो, इस हवाले से फैसला नवाज शरीफ नहीं बल्कि 20 करोड़ आवाम करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद चागा कारकुनान से खिताब। कहते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो को थोड़ा वक्त और मिल जाता तो फाटा वाले आज पाकिस्तान का हिस्सा होते। हम तारीख लिखेंगे और पीपल्स पार्टी ही फाटा को इसके हकूक दिलाएगी। एक भाई अदलिया को निशाना बनाए और दूसरा विजारत उज़्मा के लिए मुहिम चलाए, ऐसा नहीं होगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ड्रामे अब नहीं चलेंगे। अहल शख्स को पार्टी सदर बनाने के लिए आईनी तरमीम की गई, जिसके लिए तरक्याती मंसूबों के नाम पर 6 अरब रुपए बांटे गए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की वजीर आवास में मीडिया से गुफ्तगू। गुलिस्तान जौहर में 100 से ज्यादा प्लाटों का हेर फेर करने वाले केडीए अफसरान को हथकड़ियां लग गयी। सिंध हाई कोर्ट में चाइना कटिंग और गैर कानूनी अलॉटमेंट केस की समाअत हुई। अदालत ने 20 केडीए अफसरान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी, जिसके बाद नैब ने 16 अफसरान को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया। स्पीकर एयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। फाटा इस्लाहात बिल आज भी पेश न किया गया। अपोजिशन ने एक बार फिर कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद अजलास की कार्रवाई गैर मुइन्ना मुद्दा तक मुलतवी कर दी गई। नैब में पेशी के बाद पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कुछ माइंडसेट मोहिब वतन लोगों को बदजन कर रहे हैं। मैं सियासत में आता तो केस ना बनता। मैंने 5 साल तक रातें जागकर कराची को बनाया और अपने हाथों से 300 अरब रुपए खर्च किए। मुझ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से
भावलपुर का दौरा। आर्मी चीफ ने मौसम शर्मा की मजमुई ट्रेनिंग मशकों का जायजा लिया और फौजी जवानों के सिपा पेशा वराना महारत और तरबियत के आला मायार को सराहा। जवानों से खिताब में सरबरा पाक फौज कहते हैं, रिवायती दुश्मन के खतरात नजरअंदाज नहीं कर सकते, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए पुरअजम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने फाटा इंतजाम के मामले पर हुकूमत को डेडलाइन देने का फैसला किया। इमरान खान कहते हैं, फाटा इंतजाम के मामले पर हुकूमत को डेडलाइन दी जाएगी, अगर हुकूमत फिर भी फाटा इस्लाहात बिल पेश नहीं करती तो फिर आइंदा लाहे अमल फाटा के पीके में इंतजाम फाटा के अवाम में मुफाद होगा। इस्लामाबाद में हफ्ता वार ब्रीफिंग के दौरान दफ्तर खारजा के तर्जमान डॉक्टर फैसल कहते हैं, पाकिस्तान मकबूजा बैतुल मुकद्दस से मुतालिक असूल की बुनियाद पर वोट देगा। पाकिस्तान सऊदी अरब में मिसाइल हमले की मुजम्मत करता है। पाकिस्तान अमरीका की जानिब से कौमी सलामती पॉलिसी में तमाम इल्जाम को मुस्तरद करता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की जानिब से मुल्तान में पुरानी अदालतें बहाल करने का हुक्म। मुल्तान में गुज़िश्ता दिनों वुकला ने न्यू जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में सहूलतों की अदम फरामी पर शदीद एहतजाज किया था। एहतजाज के दौरान वुकला की जानिब से अदालतों में हंगामा आराई और तोड़फोड़ भी की गई। फिलिपाइन की दारुल हुकूमत मनीला के करीब खराब मौसम की वजह से मुसाफिर कश्ती उलट गई। हादसे के नतीजे में 4 अफराद हलाक और मुतअद्दिद लापता हो गए। हलाक होने वाले अफराद में 2 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। मकामी जराये के मुताबिक कश्ती में 251 अफराद सवार थे, जिनमें से 240 अफराद को समंदर में से मौजूद माहीगीरों ने बचा लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान समेत अमरीका की मुखालफत करने वाले तमाम ममालिक को धमकी। कहते हैं, अफवाह मुताबिक में जो भी अमरीका के खिलाफ वोट देगा उसकी इमदाद में कटौती करेंगे। हमने ऐसे तमाम ममालिक पर नजर रखी हुई है जो लाखों डॉलर हमसे लेते हैं और हमारे वोट खिलाफ देते हैं। गफलत ने कहीं हंसते खेलते घर उजाड़ दिए। सुबह पंजाब के शहर खानेवाल के करीब M4 मोटरवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। सुन के बाद मुसाफिर बस और ट्रॉलर में टक्कर। टक्कर के नतीजे में 11 अफराद जाबाब और 28 जख्मी हो गए। हादसे में जाबाब और जख्मी होने वाले अफराद को नस्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस लाहौर से राजनपुर जा रही थी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज साल का मुख्तसर तरीन दिन है। 21 दिसंबर साल का मुख्तसर तरीन दिन होता है। इस दिन जमीन का झुकाव सूरज से दूर होता है, जिसके वजह से सूरज देर से निकलता है और वक्त से पहले गुरूब हो जाता है, जबकि आज की रात साल की तवील तरीन रात होती है। कौमी तराने के खालिक और नामवर शायर हफीज जालंधरी को हमसे बिछड़े आज 35 बरस बीत गए। 16 जनवरी 1900 में भारत के इलाके जालंधर में पैदा हुए। हफीज जालंधरी ने अपनी शायरी के जरिए तहरीक पाकिस्तान में मुसलमानों के जज्बों को गरमाया। हफीज जालंधरी को गजल और नसर निगारी में भी कमाल हासिल था। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।